लॉ की फील्ड को कंटिन्यू इस वजह से नहीं कर रही क्योंकि अभी तक मेरे पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है। बैड एक्सपीरियंस हैरासमेंट। मैं रिसेप्शन पे बिल्कुल एक शोपीस की तरह हूँ। उस कंपनी के जो लोग थे उन्होंने मुझे इस तरह से रिप्रेजेंट किया था कि मैं एक मॉडल फेस वहाँ पे बैठा हूँ। इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर, इस टाइप के भी लोग आते थे और उनकी एक्सप्रेशन थे मेरे लिए अनबियरेबल थी। कुछ लोगों का मिसबिहेव भी होता है हमारे साथ। इसका एक्सपीरियंस अच्छा है, लोगों से काफ़ी अप्रिसिएशन मिलती है, हमें लोग बहुत अच्छे तरीके से ट्रीट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, पब्लिक डिजिटल एक्सक्लूसिव के साथ मैं हूं आपका मेज़बान फैज़ान आसिफ। नाज़रीन, मैं आज आपको अपनी इस वीडियो में एक ऐसी स्टोरी बताने जा रहा हूं जो एक बाहिमत लड़की की है जिनका नाम है एडवोकेट ज़ैब उन निसा। लेकिन वो एडवोकेट होने के बावजूद एक राइडर की जॉब कर रही हैं। अब आखिर ऐसी क्या वजूहत है कि उन्होंने अपनी असल फील्ड को छोड़कर ये वाली फील्ड चूज़ की? इन्हीं की कहानी, इन्हीं की ज़ुबानी सुनते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा ज़ैब उन निसा, सबसे पहला सवाल ये है कि आप एडवोकेट हैं, आपके पास लाइसेंस भी है, तो आपने अपनी उस फील्ड को कैरी ऑन करने की बजाय ये एक मतलब बहुत हार्ड जॉब जिसको समझा जाता है एज अ राइडर, वो चूज़ क्यों किया? थैंक यू फैज़ान। बात यह है कि मैंने अपना जब लॉ कंप्लीट किया था और मेरे पास लाइसेंस भी आ गया था तो मैं अपनी लॉ की फील्ड को कंटिन्यू इस वजह से नहीं कर रही क्योंकि अभी तक मेरे पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है। मैं प्रैक्टिस तो करूँगी लेकिन वो तब स्टार्ट करूँगी जब मेरे पास कोई इनकम होगी, जब मुझे ये लगेगा कि नहीं अभी मुझे जॉब की ज़रूरत नहीं है क्योंकि मैंने जुडिशरी करनी है। तो जुडिशरी के लिए भी स्टिल मुझे उसकी फ़ी पे करनी है, जो भी मैं एकेडमी ज्वाइन करती हूँ उसकी फ़ी पे करनी है। स्टिल मेरे बहुत सारे एक्सपेंसेस हैं जिनको मुझे बेयर करना है, तो उनको बेयर करने के लिए भी मुझे भी जॉब की ज़रूरत है। और मैं ये राइडर की जॉब, फीमेल राइडर की जॉब इस वजह से कर रही हूँ, इसकी टाइमिंग बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल है। मैं इसी की टाइमिंग के दौरान मैं अपना जॉब का काम भी कंप्लीट करती हूँ और उसके बाद आफ्टरनून में अपनी एकेडमी भी जाती हूँ। अच्छा। तो ये मेरे लिए फ्लेक्सिबल टाइमिंग की वजह से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मतलब आप इसके साथ पार्ट टाइम ऑफिस जॉब भी कर सकती थी, तो स्पेशली ये राइडर की जॉब आपने क्यों चूज़ की? नहीं, ऑफिसेज की जो जॉब्स होती हैं ना उनमें आप जो मर्ज़ी कर लें, आपका जो भी पार्ट टाइम वो कंप्लीट टाइम होता है ना, वो आपका 9 to 5, 9 to 6 चला ही जाता है। जिसमें मेरी एकेडमी की जो टाइमिंग्स है वो आफ्टरनून में स्टार्ट होती हैं, जैसे कि 2 से स्टार्ट हो ली, कभी एक क्लास स्किप हो गई तो 4 से स्टार्ट हो ली, तो वो इस तरह से होती हैं। उसमें मैं प्रॉपर अपनी स्टडी को टाइम नहीं दे सकती, जो मेरा बेसिक एम है, जो मेरा मकसद है यहाँ पे आने का, तो इस वजह से फिर मैं कोई ऑफिस की जॉब नहीं कर पा रही और ये जॉब को कंटिन्यू। अच्छा, मतलब आपका बैकग्राउंड क्या है? आप लाहौर से बिलोंग करती हैं या किसी और शहर से बिलोंग करती हैं? मैं ओकाड़ा से बिलोंग करती हूँ। बेसिकली मैं ओकाड़ा से बिलोंग करती हूँ, वहाँ पर मेरी ग्रेजुएशन कम्प्लीट मैंने किया था। दैन मैं अपने बड़े भाई के साथ लाहौर आ गई 2016 में। अच्छा। एंड 2016 में मैंने लाहौर आके मास्टर्स की डिग्री के लिए जिसी यूनिवर्सिटी में दाखला लिया, एडमिशन लिया वहाँ पे, और मैंने मास्टर्स हिस्ट्री में कंप्लीट किया और मास्टर्स की डिग्री के साथ ही मैंने इसको लॉ को भी स्टार्ट लिया था। ये हुआ स्टार्ट किया था मैंने तकरीबन 2017 में और उसके बाद मेरा फर्स्ट मास्टर्स कंप्लीट हो गया एंड देन अभी मेरी रिसेंटली LLB की डिग्री कंप्लीट हुई। मतलब मास्टर के बाद आपने LLB किया? जी, मैंने मास्टर्स की, मेरे सेकंड सेमेस्टर था। अच्छा। जब मैंने LLB में एडमिशन लिया था, ये मेरा प्राइवेटली मैंने इसको स्टार्ट लिया था, तो इस वजह से ये मैं उसको साथ साथ कर रही हूँ। उसकी क्या वजह थी? मतलब सडनली आपने इसको स्विच कर लिया? मैंने स्विच नहीं किया था, मैं पैरेलल 2 डिग्रीज़ को लेके चल रही थी। उसकी रीज़न ये थी कि मैं जब उकाड़ा से लाहौर आई हूँ, यहाँ पर हम लोगों ने घर से भी दूरी इख्तियार की, यहाँ के मुख्तलिफ अपनी जो भी मुश्किलात आ रही हैं उनको भी फेस कर रहे हैं, तो इन सारी चीज़ों को देखते हुए मुझे लगा कि नहीं हमारे पास कम टाइम है तो हम इसे ज़्यादा यूटिलाइज करें। तो उस चीज़ को मैनेज करने के लिए या उस चीज़ को देखते हुए मैंने अपनी LLB की डिग्री मास्टर्स के सेकंड सेमेस्टर के बाद स्टार्ट ली। अच्छा, आपने ये राइडर की जॉब करते हुए आपको कितना अर्सा हो गया? 1.5 ईयर। अच्छा, इससे पहले आप क्या कह रही थी? मैं डिफरेंट जॉब्स करती रही हूँ। मैंने जो वेरी फर्स्ट जॉब मेरी स्टार्ट हुई थी 2016 में, वो एक 6 to 7,000 की जॉब थी। अच्छा। वो हमारा पर मंथ इनकम होती थी, लेकिन वो क्योंकि हमारा स्टार्ट था, हमें कोई एक्सपीरियंस नहीं था और हमें जॉब करनी ही करनी थी क्योंकि हमारे यहाँ पे जो एक्सपेंसेस थे उनको बेयर करने के लिए। उसके बाद मैंने डिफरेंट जॉब्स की, जिसमें मेरी एक रिसेप्शनिस्ट की जॉब थी, एडमिन की जॉब थी। अच्छा। एक लॉ ऑफिस में, लॉ फर्म में एक जॉब थी, उसमें डाटा एनालिसिस की, तो इस तरह से डिफरेंट जॉब्स करती आई हूँ। तो आपने वो ऑफिस जॉब वाली जो, मतलब आपने बताया कि आप एज ए एडमिन ऑफिसर भी करती रही हैं, फिर आपने लॉ फॉर्म में भी काम किया जो आपकी फील्ड से भी रिलेटेड थी, वो आपने क्यों छोड़ी? मैंने आपको फिर से वही बात रिपीट करूँगी कि अभी आपको मैंने बताया जो भी ऑफिस की जॉब करते हैं उसमें हमें इतना टाइम नहीं मिलता कि टाइमिंग्स इशू थी। और उसके अलावा एक मेरा एक्सपीरियंस बैड एक्सपीरियंस था रिसेप्शनिस्ट की जॉब का। अच्छा। वो तो खैर मैंने की ही सिर्फ एक मंथ थी क्योंकि वो मुझे कुछ ज़्यादा पसंद नहीं आई थी तो मैंने वो स्किप कर दी, क्विट कर दी एंड देन मैं डिफरेंट जॉब्स करती रही। और फिर यहाँ पे बैड एक्सपीरियंस क्या था? बैड एक्सपीरियंस हैरासमेंट। वो रिसेप्शनिस्ट की जॉब थी, मुझे रिसेप्शनिस्ट की जॉब में बिल्कुल भी एक्सपीरियंस नहीं था कि क्या होती है। बस मैंने उसका एडवर्टीज़मेंट देखी और वहाँ पे अप्लाई कर दिया। जब मैं वो जॉब स्टार्ट की थी तो उस जॉब के स्टार्ट करने में ये हुआ था कि मैं रिसेप्शन पे बिल्कुल एक शोपीस की तरह हूँ। वहाँ पे आने वाले लोग या उस कंपनी के जो लोग थे उन्होंने मुझे इस तरह से रिप्रेजेंट किया था कि मैं कंपनी का फेस नहीं, एक खुद का फेस, एक मॉडल फेस वहाँ पे बैठा हुआ हूँ। और उनको जो भी लोग आ जा रहे थे वो आपको पता है कंस्ट्रक्शन कंपनी, वो एक कंस्ट्रक्शन कंपनी थी और आपको आइडिया होगा कि वहाँ पे हर तरह के लोग आते हैं अपनी प्रॉपर्टीज़ के लिए और हर एक चीज़ के लिए। तो वो लोग आते थे, उनकी मुख्तलिफ बातें, इनफैक्ट वहाँ पर जो कुछ लोग ख़ुद को SHO और मतलब इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर टाइप के भी लोग आते थे। और जब वो लोग आते हैं उनकी बातें और उनके नंबर्स एक्सचेंज करना और मतलब मुख्तलिफ के जो उनकी एक्सप्रेशन थे मेरे हवाले से, वो सारी चीज़ें मेरे लिए अनबियरेबल थी जिसकी वजह से मैंने वो जॉब। तो वो मतलब कंपनी जो थी वो कोई अच्छी मतलब कंपनी थी जिसमें आप काम कर रहे थे? वैसे मुझे कंस्ट्रक्शन कंपनीज़ का कुछ ज़्यादा आइडिया नहीं है। बिन आलम कंपनी का नाम था और मेरे एक महीना जॉब करने के बाद जब मैंने दोबारा वहाँ के अपने कोलीग्स से पूछा था तो मुझे पता चला था कि वो बैन हो चुकी है। अच्छा। उसका मतलब वैसे ही तासुर जो है वो एक करप्ट सा था। एग्जैक्टली। उनका कोई घपलों का सीन था और कुछ इस तरह के, तो वो कंपनी भी बंद हो चुकी थी। और इनफैक्ट जब आप काम कर रहे होते हो किसी जगह पर तो आपको उतना ज़्यादा आइडिया नहीं होता, लेकिन आप जब क्विट कर रहे होते हो ना तब आपके सामने लोग आते हैं कि वो किस तरह से आपके साथ। अब आप 1.5 ईयर से ये राइडर की जॉब कर रही हैं, ये आपका एक्सपीरियंस कैसा है? इसका एक्सपीरियंस अच्छा है, लोगों से काफ़ी अप्रिसिएशन मिलती है, हमें लोग बहुत अच्छे तरीके से ट्रीट करते हैं। हमारी जो ऑफिस है उन्होंने हमें बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी प्रोवाइड की हुई है, वो हमें सेफ़ एरियाज़ देते हैं। वो कोई भी हमें इस तरह कमर्शियल एरियाज़ नहीं देते जहाँ पे हमें प्लाज़ों पे जाना पड़े, शॉप्स पे जाना पड़े या इस तरह की, वो हमें सेफ़ एरियाज़ देते हैं। और लोगों का बहुत अच्छा बिहेवियर होता है। समटाइम यहाँ पे होता है जैसे कि आप कहीं पे भी चले जाएं आपको कहीं पे भी एक जैसे माहौल नहीं मिलता, तो सेम लाइक यहाँ पे भी वैसा ही है। कुछ लोगों का मिसबिहेव भी होता है हमारे साथ, तो वो चीज़ें तो सारी चलती रहती हैं। अच्छा, मतलब अब आगे आपने जुडिशरी करनी है तो वो अभी स्टार्ट करनी है आपने? मैं ऑलमोस्ट स्टार्ट कर चुकी हूँ। अच्छा। मैं डिफरेंट अकेडमीज़ का पता कर रही हूँ क्योंकि आप जब भी कोई चीज़ सेलेक्ट करते हो अपने लिए तो आपको अच्छी तरह देखभाल करनी चाहिए। सो आई एम जस्ट इन द प्रोसेस टू सेलेक्ट माई अकेडमी। अभी मैंने रिसेंटली 2-3 अकेडमीज़ का विज़िट किया है। अभी जो मेन रीज़न आ रही है वो फ़ी की आ रही है, उनकी फ़ीस जो है वो बहुत हाई है। लेकिन मैं इंशाल्लाह वहाँ पर एडमिशन लूँगी और कुछ ना कुछ। मतलब अभी जो आप एज अ राइडर जो आपका रेवेन्यू जनरेट हो रहा है वो मतलब अभी इतना नहीं है कि आप जुडिशरी की फ़ी पे कर सकें? बिल्कुल ऐसा ही है अभी, क्योंकि फ़ी बहुत हाई है। ये जो जनरेट हो रहा है उसमें रेवेन्यू जनरेट हो रहा है, उसमें मैं अपने एक्सपेंसेस को देख रही हूँ और साथ में कुछ कलेक्शन कर रही हूँ ताकि वो इतनी अमाउंट मेरे पास जमा हो जाए कि मैं अपनी फ़ी पे करके अपनी स्टार्ट ले सकूं। आपके मतलब भाई वगैरह भी होंगे, घर वाले आपको सपोर्ट कर रहे हैं? मेरे भाई भी हैं, मेरे 2 भाई हैं, मेरे पेरेंट्स हैं। मेरे पेरेंट्स और मेरा छोटा भाई वो उकाड़ा में होते हैं, तो वहाँ गांव में होते हैं। और जो मेरे बड़े भाई वो यहाँ पे हैं मेरे साथ, वो भी अपनी जॉब करते हैं और साथ में पढ़ते हैं। तो इस वजह से मैं उनको नहीं कह सकती कि नहीं आप मुझे भी दिया करो। माशाल्लाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। आपकी एज अ राइडर जॉब पर उन्होंने कोई एतराज़ नहीं किया घर वालों ने? नहीं, उनको मेरे कुछ रिलेटिव्स ने और कुछ फ्रेंड्स ने ज़रूर कहा था कि ये कैसी जॉब है, कि अब इतनी ही नौबत आ गई है कि तुम ये जॉब करोगी, तुम्हारी कोई हेल्प नहीं करने वाला, ये है वो है। लेकिन बात ये है कि आप जब चल रहे होते हो किसी जगह पे तो ये आपको ही पता होता है कि आप वहाँ पे कैसे आए हो, आप खुद को लेके कैसे चल रहे हो, आप अपने एक्सपेंसिस को कैसे बेयर कर रहे हो। लोग सिर्फ बातें करते हैं। अच्छा, बाइक पे तजर्बा कैसा? मतलब बाइक आपको पहले से आती थी चलानी या आपने बाद में सीखी है? मेरा बाइक का एक्सपीरियंस अच्छा है। स्टार्ट में तो मैं स्कूटी चलाती थी, मेरे भाइयों ने मुझे सिखाया था। ये जॉब करने से पहले ही मैं बाइक चला रही थी। उससे पहले ये था कि मैं स्कूटी चला रही थी। स्कूटी की जो स्पीड थी वो नॉट मोर देन 40, वो 40cc स्कूटी थी। लेकिन बाइक थोड़ी डिफरेंट है, ये हमारे पाकिस्तान के कल्चर के मुताबिक है, क्योंकि स्कूटीज़ का यहाँ पे स्पेयर पार्ट्स का इशू हो जाता है, बैटरीज़ का इशू हो जाता है, और इन सारी चीज़ों की वजह से वो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है यहाँ पे। मतलब आपने बाइक चलाना वो भी एक हार्ड काम समझा जाता है लड़कियों के लिए, तो स्कूटी भी हो तो वो आपने उस पर स्विच क्यों किया था? स्कूटी से मैंने बाइक पे मतलब पहले स्कूटी पे क्यों आई आप? अच्छा, बात ये थी कि मेरे भाई, जब हम लोगों ने यहाँ पे आए थे तो मेरे भाई मुझे लाते ले जाते थे यूनिवर्सिटी। तो जब भाई की अपनी जॉब हो गई, उनकी स्टडी स्टार्ट हो गई, तो फिर जाहिर सी बात है भाई अपनी चीज़ों में इंगेज हो गए। उनके उस तरफ जाने की वजह से फिर मुझे आना जाना खुद से पड़ता था, जिसकी वजह से मैं जब मेट्रो, स्पीडो और फिर रिक्शा, जब ये सारी चीज़ों को करके अपने घर पहुँचती थी तो वो बहुत ज़्यादा मेरे लिए एक तो हेक्टिक हो जाता था, दूसरा जो रिक्शों पे जाना जो सफ़र था, लोकल एरिया में ट्रैवल करना, वो बहुत ज़्यादा बैड एक्सपीरियंस था। वो इस लिहाज से कि आप रिक्शा में जब जा रहे होते हो तो रिक्शा वाले बिल्कुल केयर नहीं कर रहे होते, उन्हें सिर्फ अपने पैसेंजर्स और अपनी किराए से होता है कंसर्न होता है, तो उन्होंने किसी को भी आपके साथ बिठा देना। और फिर जब वो आप कंटिन्यू अपने रास्ते पर जा रहे होते हो और वो लोगों का आपके साथ टच होना, उनका हरासमेंट, वो सारी चीज़ें बर्दाश्त करना बहुत मुश्किल है। तो फिर जो घर बैठी लड़कियां हैं, मतलब जो मतलब सिर्फ इसलिए बाहर नहीं निकल पाती कि लोग क्या कहेंगे, उनको आप क्या पैगाम देना चाहेंगी? मैं लड़कियों से यही कहना चाहूँगी कि लड़कियों, कुछ भी आपकी ज़िंदगी में जो आप करना चाहती हैं वो हिम्मत से करें, कुछ भी मुश्किल नहीं है। आप जो चीज़ करना चाहती हैं वो आप इजीली कर सकती हैं, सिर्फ आपकी हिम्मत, आपका हौसला होना चाहिए और आपके घर वालों का आपके साथ साथ होना चाहिए। आप पे अगर भरोसा है और आप लोग अपनी चीज़ों को अच्छे तरीके से, अपनी मेहनत से और अपने बलबूते पर करना चाहती हैं तो आपके लिए कुछ भी मुश्किल नहीं है। सो निकलें और अपने कामों को करें जैसे आप चाह रही हैं। जी नाज़रीन, ये थी ज़ैब उन निसा की कहानी। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।